सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई है तो कुछ नए लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। ऐसे ही एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर नए दफ्तर पहुंचे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास थे। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेपी नड्डा के घर के बाहर से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि यतेंद्र, आज नड्डा के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, क्या अपडेट उसको लेकर? देखिए, वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने उन 3 पदाधिकारियों को बुलाया है जिन्होंने कल मंत्रिमंडल में शपथ ली है नए सदस्यों के तौर पर। बाकी के जो नए मंत्री हैं उनको पार्टी ऑफिस में जेपी नड्डा की तरफ से बुलाया गया है, उनको 11 से 1 बजे का टाइम दिया है। लेकिन अगर घर की बात करें तो वो तीनों मंत्री जो पार्टी में पदाधिकारी थे, जिसमें बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और नेशनल सेक्रेटरी विश्वेश्वर टूडू और अन्नपूर्णा देवी, वो तीनों ही मंत्री जेपी नड्डा के यहाँ पहुंच गए हैं। उनके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, ये तीनों भी इस बैठक में मौजूद हैं जेपी नड्डा के साथ और मीटिंग शुरू हो चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि पार्टी की अपने पदाधिकारियों से जो मंत्री बने हैं उनसे क्या अपेक्षाएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से काम करना है, संगठन और सरकार के बीच में किस तरह से वो एक सेतु का काम करेंगे और क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले समय में चुनाव हैं तो उनके मंत्रालय से क्या उम्मीद हो सकती है। इन सब विषय पर नड्डा और जो सह संगठन मंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे और उनको आने वाले रोड मैप का और जो पार्टी की तरफ से है उसके बारे में बताया जाएगा। जी ठीक है। आप रही जरा साथ, देखिए पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है और गृह मंत्री अमित शाह को वो नए सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, जबकि मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय की कमान सौंपी गई। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ये मंत्रालय पहले संतोष गंगवार के पास था। वहीं पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है।
आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उनको अधिक जिम्मेदारी देने से उन्होंने देकर उन्होंने ये विश्वास पैदा किया है। और पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा रहे ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रिकग्निशन देकर पहचान देकर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो भी काबिले तारीफ है। रवि, यानी देखिए ड्रीम टीम को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इसी के तहत पदभार अब संभालने के लिए भी नेता जो हैं, जो नए मंत्री बने हैं कह सकते हैं, वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि मनसुख मंडाविया नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, उन्होंने भी क्या अपना कार्यभार संभाल लिया? अर्पिता, एक बार मैं सीधे यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये निर्माण भवन की तस्वीरें हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में नए मंत्री आने वाले हैं मनसुख मांडविया, और अब से थोड़ी देर के बाद में ही नए स्वास्थ्य मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। और एक दिन पहले ही उन्होंने शपथ लिया था और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुलदस्ते के साथ ही उनकी उनके स्वागत के लिए, उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये पूरी तैयारी हो चुकी है मनसुख मांडविया के आने के। हालांकि मनसुख मांडविया निर्माण भवन जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है, मंत्रालय है, यहां पर अक्सर अब वो आते रहे हैं। और उसकी वजह रही है कि जितनी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती रही है कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर जिसकी अगुवाई करते रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसमें मनसुख मांडविया भी आते रहे हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आएंगे और थोड़ी देर बाद वो अपना कार्यभार संभालेंगे। एक बार फिर जो तस्वीरें दिखाएं कि थोड़ी देर पहले ये देखें कि किस तरीके से स्वागत के लिए जो तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो अधिकारी या फिर कर्मचारी होते हैं, जब नए मंत्री अपना कार्यभार संभालते हैं, कुर्सी संभालते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारियाँ होती हैं। गुलदस्ते के साथ में उनके स्वागत के लिए तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं निर्माण भवन के नीचे ही, बिल्डिंग के नीचे ही, और जैसे ही आएंगे और आप ये स्वागत के लिए खड़े हैं तमाम लोग। मनसुख मांडविया से आपसे थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर से निकले थे, और इसके बाद क्योंकि दो मंत्रालय, अहम मंत्रालय उनके पास में जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौतियाँ होंगी, कोरोना का समय है, पिछले 1.5 साल से देश में जो स्थिति बनी है उसको किस तरीके से पटरी पर लाना है, किस तरीके से, और जो केसेस में कमी है, वो तमाम चीज़ें उनके सामने चुनौतियाँ होंगी। आपसे थोड़ी देर बाद जैसे ही अपनी कुर्सी संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद उनसे पूछने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रोड मैप है, क्या उनकी प्लानिंग है। हालांकि ये उनके लिए भी बता पाना बेहद मुश्किल होगा, जल्दबाजी भी होगी। पहले तो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें वो जो समझनी होंगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो भी समझेंगे, लेकिन जल्द ही वो बता पाने की स्थिति में होंगे। हालांकि मॉनिटर तो करते रहे हैं तमाम, जो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में वो आते रहे हैं, लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद बस इंतजार है कि मनसुख मांडविया यहां पर आएंगे और कार्यभार संभालेंगे। रही जरा आप साथ, और मोदी कैबिनेट में शामिल कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, क्या आपकी महाराष्ट्र को लेकर या देश को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि धन्यवाद इसलिए दूंगा कि देश को आज़ादी मिली है तब से थाने जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी प्रतिनिधित्व किसी ने कभी किया नहीं, कोई किसी भी पार्टी ने किसी को मंत्री बनाया, ये पहली बार मुझे मंत्री बनाया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जितना भी धन्यवाद दो उतना कम है, पोर्टफोलियो कोई भी आने दो, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मुझे जो मिला है, निश्चित तौर पर इस संधि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने का काम करूँगा। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जेपी नड्डा के आवास पर बैठक भी चल रही है। यतेंद्र, आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है। फिलहाल कितनी देर अभी ये बैठक और चलने वाली है जेपी नड्डा के आवास पर?
देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और माना ये जा रहा है कि 20 से 25 मिनट और ये बैठक चलेगी, क्योंकि उसके बाद एक अगली बैठक या कह सकते हैं शिष्टाचार भेंट नए मंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी ऑफिस में रखी है। यानी कि दो नए मंत्रियों के साथ दो चरणों में इस मीटिंग्स को रखा गया है। पहले चरण में अपने घर पर बुलाया गया है उन मंत्रियों को जो पार्टी में पदाधिकारी हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव महासचिव हैं, अन्नपूर्णा देवी और विश्वेश्वर टुडू जो नेशनल सेक्रेटरी और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मंत्री कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें चाय पर बुलाया, शिष्टाचार भेंट है मंत्री बनने के बाद। इसके साथ ही शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, इन तीनों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और माना यही जा रहा है कि जो संगठन की जो सोच है, संगठन किस तरह से चाहता है कि जो मंत्री बने उनके पदाधिकारी वो किस तरह से काम करें, संगठन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करें, इसके अलावा जनता के हित में जो पार्टी की नीतियां हैं उनको किस तरह से आने वाले समय में उस रोड मैप के जरिए ले जाए, इस बात को जेपी नड्डा इन नए मंत्रियों के साथ रखेंगे। और दूसरा चरण उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने राष्ट्रीय कार्यालय में करेंगे, जहां पर बाकी के जो नए मंत्री हैं उनको भी 11 से 1 बजे के बीच का समय दिया गया, वो उस दौरान आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। उस समय भी ये तमाम जो राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ये भी उस वक्त कार्यालय में मौजूद रहेंगे, और नए मंत्रियों को यही बताया जाएगा कि पार्टी उनसे क्या चाहती है, उनके मंत्रालय से क्या चाहती है, उनके मंत्रालय की नीतियां किस तरह से होनी चाहिए, उनका रोडमैप किस तरह का होना चाहिए, ये सभी बातें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा रखी जाएंगी। और उसके बाद शाम को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी। जरा साथ आप वहीं देखिए, अब सिलसिला जो है इन नए मंत्रियों का दफ्तर पहुंचने का और पदभार ग्रहण करने का वो भी शुरू हो चुका है। सुबह अनुराग ठाकुर पहुंचे, अश्विनी वैष्णव पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ओडियन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो थोड़ी देर में अपना पदभार संभालेंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में अपने आवास के बाहर मौजूद समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उनके समर्थकों ने फूल देकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, हरदीप सिंह पुरी के पास ये पहले मंत्रालय था जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं उनकी भारी तादाद में संख्या उनके आवास के बाहर जुट गई। उन्होंने बाकायदा जोरदार स्वागत किया उनका फूलमाला से, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और उसका निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। भरोसा जो उन पर जताया गया है वो भरोसा वो कोशिश करेंगे कि उस पर खरे उतरें। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कितनी देर में जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कामकाज संभाल सकते हैं? बस अब थोड़ी देर है, क्योंकि बस उनका इंतजार कर हो रहा है। और निर्माण भवन के एक बार मैं दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं, जिसमें इसमें सूचना विभाग के भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ये देखिए एक बार गाड़ियों की जो कतार आ रही है, शायद इसमें मनसुख मांडविया है। और जिस तरीके से हलचल यहाँ पर मची, हाँ मनसुख मांडविया है सबसे पहली जो गाड़ी है जो जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया है, नए स्वास्थ्य मंत्रालय, देश के नए स्वास्थ्य मंत्रालय। अब देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से मनसुख मांडविया पहुंच चुके हैं निर्माण भवन। निर्माण भवन में उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो वो अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और नीचे ही गुलदस्ते के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। अब ऊपर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो दफ्तर है, जो जहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर मनसुख मांडविया जा रहे हैं। हालांकि वो अभी बात नहीं कर रहे हैं मनसुख मांडविया, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं मनसुख जी। आराम से बात करूंगा। मनसुख मांडविया अंदर चले गए हैं निर्माण भवन, क्योंकि अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया, उससे पहले उन्होंने बात नहीं किया मीडिया से, लेकिन अब वो अंदर जा चुके हैं और फिलहाल इंतजार है कि जैसे ही वो चार्ज लेते हैं कि हो सकता है कि जो तमाम सवाल है उसके भी जवाब दें। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो तैयारियाँ थी उनका इंतजार किया जा रहा था मनसुख मांडविया का और देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का। ठीक रही जरा आप साथ, देखिए मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया है और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे अहम बात ये कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है और पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 मंत्रियों को जगह मिली है। देश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार के दौरान युवाओं को खास तरजीह दी गई। कुल मंत्रियों में 14 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरी तरफ अनुभव का भी खास ध्यान रखा गया। नए कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 18 ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्यों में मंत्रालय संभालने का अनुभव रहा है। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और यतेंद्र, देखिए पूरी जो गणित अगर इसको देखिए तो हर वर्ग को इसमें तरजीह दी गई है, साथ ही साथ युवा चेहरों को मौका दिया गया है, अनुभव भी यहाँ पर। एक सेकेंड में आपका रुख करूँ, जरा ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मनसुख मांडविया जो हैं वो पहुँचे हैं अपना कार्यभार संभालने के लिए, बाकायदा वहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखिए नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, जब वो अंदर अपने दफ्तर में पहुँचे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अब मनसुख मांडविया निभाएंगे। एक नया चेहरा, नए स्वास्थ्य मंत्री, नई जिम्मेदारी, और इसी जिम्मेदारी के साथ अब वो कामकाज को संभालते हुए, पदभार ग्रहण करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही देखिए नामों की घोषणा हुई, फिर ये संभावनाएं कयास लगने शुरू हुए कि किसको आखिरकार कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसका प्रमोशन होगा और किसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और कल ही हमने देखा लगातार इस्तीफे आने शुरू हुए, नामों पर चर्चा होनी शुरू हुई, और रात तक ये किसको कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है, कौन किस विभाग में होगा, ये रात तक तस्वीर साफ हुई। एक के बाद एक धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हो रही थी। तो फिलहाल मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब नए स्वास्थ्य मंत्री वो होंगे, अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय का कामकाज संभाला, उससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अपनी जिम्मेदारी वहां पर निभाई और कामकाज संभालते हुए वो भी नजर आए थे। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय भी उनके जिम्मे है। तो ये देखिए फूल देकर उनका स्वागत हो रहा है जब वो आज पहली बार पहुंचे हैं इस दफ्तर में, क्योंकि अब वो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के और कई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी और कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर का खतरा है और उसके लिए किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन याद होगा आपको जो रोल उन्होंने निभाया दूसरी लहर में, बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो तमाम ज़रूरतें थीं उन पर बढ़ चढ़ के उन्होंने हाथ बढ़ाया था, और शायद इसी का नतीजा और इसी का इनाम कह सकते हैं कि उनको मिला और ये बड़ा विभाग उनको दिया गया है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री हैं वो देश के, डॉक्टर हर्षवर्धन पहले स्वास्थ्य मंत्री थे लेकिन उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया, और उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज़ हो गई कि आखिरकार कौन होगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभालेगा, स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। तो ऐसे में नाम साफ हुआ रात में जाकर, मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त बहुत चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अब नए, और वो पदभार ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। यानी रवि ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी कंधे पर क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। रवि आवाज पहुंच रही है आप तक? आप जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और अब से थोड़ी देर पहले ही निर्माण भवन पहुंची है क्योंकि मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री है वो पहुंचे थे, और ये डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो भी अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंची, और उनके भी स्वागत के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे थे पहुंची हैं, और पहले उन्होंने माथा टेका क्योंकि पहली बार वो मंत्रालय में उनको जगह मिली है और अंदर जा चुकी है। हालांकि वहां पर अलाउड नहीं है मीडिया को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार हो रहा था दोनों मंत्रियों का, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे वो तो बिल्कुल। देखिए अब मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, चुनौतियां बहुत ज्यादा है उनके सामने, और अभी जब उनसे पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो कुछ भी कहने से फिलहाल बचते नजर आए। ये संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे और बाहर निकलेंगे तो हो सकता है वो अपनी बात रखें कि कितनी जिम्मेदारी वो महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पद मिलता है तो उसी हिसाब से चुनौतियां भी आपके सामने आती हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि देखिए जब वो अंदर जा रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की, संभावना क्या ये है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि चुनौती किस तरीके से देख रहे हैं वो? उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि मनसुख मांडविया तो पहले से ही
मंत्रिमंडल में शामिल थे लेकिन वो एमओएस का दर्जा उन्हें था। आज कैबिनेट के हैसियत के तौर पर उन्होंने सिग्नेचर किया और कार्यभार भी संभाल लिया, हमें जो जानकारी मिल रही है। निर्माण भवन के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो दफ्तर है, अब से थोड़े पहले ही मनसुख मांडविया पहुंचे और कार्यभार उन्होंने संभाला है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनके सामने तमाम जो चुनौतियाँ होंगी, पिछले एक डेढ़ साल से जो तमाम चुनौतियाँ देश के सामने खड़ी थी और सेकंड वेव जो कोरोना का था, पीक पे आया, कई केसेस सामने आए, उससे कैसे निपटा जाए, और तीसरी अगर वेव होती है तो उससे कैसे पहले तैयारियां की जाए, निपटा जाए, वो तमाम जो चुनौतियां होंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री अब तक अश्विनी चौबे होते थे निर्माण भवन में, जो जूनियर मंत्री के तौर पर थे, एमओएस थे, लेकिन अब उनकी जगह पर डॉक्टर भारती प्रवीण वो यहाँ पर पहुँची हैं थोड़ी देर पहले ही, उनके भी स्वागत किया गया, अधिकारी वहाँ पर उनके स्वागत के लिए थे। ये देखिए आज थोड़ी जो स्वास्थ्य मंत्रालय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी तैनात भी कर दी गई है, क्योंकि दो नए मंत्री आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में चार्ज लेने के लिए आए हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी की भी व्यवस्था आज ज़्यादा की गई है। और जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर काम भी कर रहे हों, सबसे पहले उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। तो मनसुख मांडविया से उम्मीद यही की जा रही है कि किस तरीके से जो चुनौतियां हैं उसे पार पाएं, लेकिन अभी वो बोलने की स्थिति में इसलिए भी नहीं थे, उनका यही कहना था कि नया मंत्रालय है, नई चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले समझने की जरूरत होगी, अधिकारियों से समझने की जरूरत होगी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल, यानी देखिए क्या क्या करना है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ख्याल रखा गया और कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से अगर देखें तो 27 मंत्रियों को जगह मिली है। देश के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 12 दलित समुदाय से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के 5 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा 11 महिलाओं को भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल किया गया। यतेंद्र, यानी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और हर जाति का ख्याल रखा गया है। और अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के देखिए सबसे ज्यादा 15 मंत्रियों को जगह मिली है। देखिए बिल्कुल, जब मोदी मंत्रिमंडल का जो कल विस्तार हुआ और उसके बाद जो नया स्वरूप, नई शक्ल जो मोदी मंत्रिमंडल की आई है, उसमें साफ है कि चाहे वो जाति की बात हो, चाहे किसी राज्य के प्रतिनिधित्व की बात हो, क्षेत्र की बात हो, महिलाओं की बात हो, उन सबको ध्यान में रखा गया। और साथ ही ध्यान में ये भी रखा गया कि हाई एजुकेटेड लोग भी इसमें शामिल किए गए, यानी कि एक मिला जुला स्वरूप किस तरह से एक युवा मंत्रिमंडल का हो सकता है वो कल के विस्तार से पता चला है। इसे पुनर्गठन भी कह सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल को कसा है और एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि देश के विकास के लिए, देश के को एक नई दिशा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, वो मोदी मंत्रिमंडल की शक्ल में कल आ गया। इसकी अगर एक छोटी सी बानगी देखेंगे, जो आप कह भी रहे थे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 15 मंत्रियों को जगह मिली है, तो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है। और केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसकी बानगी देख सकते हैं, ओबीसी को भी जगह मिली है, ब्राह्मण को भी चेहरे को जगह दी गई है, इसके साथ ही कुर्मी को भी ध्यान में रखा गया है, और लोधी जो वोट बैंक काफ़ी महत्व रखता है उसको भी वहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा दलित चेहरे के तौर पर कौशल किशोर को वहां पर सामने रखा गया, यानी कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व, कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसको इस मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया हो। कोशिश यही की गई है कि जिसका थोड़ा सा भी प्रभाव उत्तर प्रदेश में है उसको वहां पर जगह दी गई है। महिलाओं को भी खास तौर पर इस पूरे मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, और एक मैसेज यही दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा, जो मंत्र मोदी सरकार लेकर चल रही है, उस पर वो लगातार काम कर रही है। जहां भी थोड़ी सी ढीला ढाली होती है या हिला हवाली होती है, उसको तुरंत मोदी सरकार सुधारने का काम करती है। और एक मैसेज, कल जो 2 से 3 बड़े मंत्रियों को, 4 मंत्रियों को जो हटाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर को, वो एक मैसेज है मोदी सरकार का जनता को, जनता के प्रति, कि मोदी सरकार बिल्कुल जो मैसेज देना है कि किस तरह से काम करना है, सबका साथ सबका विकास, और तेज रफ्तार जो विकास को लेकर है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लेकर, जिनका माना जाता था काफ़ी प्रभावशाली हैं, काफ़ी दबदबे वाले हैं, लेकिन उनको भी हटाने में मोदी सरकार नहीं चूकी। यानी मैसेज साफ है कि आने वाले समय में राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें मोदी सरकार एक नए कलेवर के साथ, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए रोड मैप के साथ तो जाएगी, और जो काम अटके पड़े हैं, इन मंत्रियों को मैसेज दिया गया है कि उन कामों को तेजी से करें, और राज्य सरकार को भी इसी तरह के करने का मैसेज दिया गया है। रही जरा यतेंद्र साथ। देखिए मोदी कैबिनेट में शामिल भारती प्रवीण पवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में
आदिवासियों को लेके चर्चा होती है और खासकर एक तरफ मराठा आरक्षण, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण, अभी आदिवासियों के हक की भी बात हो रही है, ऐसे वक्त में आपको राज्य मंत्री बनाया गया है। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा सम्मान है कि हमारी जनजाति क्षेत्र में एक महिला को इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया, एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आदरणीय हमारे पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी का, कि जिन्होंने हमेशा एक राह दिखाई है और मेरे क्षेत्र के लोगों के आशीर्वादों से, मेरे जिले के लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है इन सभी आशीर्वादों से, इन सभी ताकतों की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं ज़रूर अपना पूरा समर्पित, ये बड़ी जिम्मेवारी है और सभी विकास की दृष्टि से सोचकर जरूर हम मेहनत से काम करेंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाए जाने के बाद बिहार के नालंदा में उनके गांव में जश्न का माहौल है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो ये आप उनके गांव की तस्वीरें देख रहे हैं आरसीपी सिंह की, जहां पर देखिए जश्न मनाते हुए जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो नजर आ रहे हैं। इस्पात मंत्री दरअसल वो बनाए गए हैं और उसके बाद से ही खुशी की लहर उनके गांव में दौड़ पड़ी है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाए जाने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर बिहार के नालंदा में जश्न का माहौल दिखा, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव नालंदा जिले के मुस्तफापुर में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ये अस्थामा का मुस्तफापुर गांव है, आप देख सकते हैं यहां पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जदयू कार्यकर्ता हैं, यहां आना शुरू हो गया है और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि पहली बार यहां रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद थे, पूर्व में IAS थे और आज वो इस्पात मंत्री बने और इनके केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद काफ़ी खुशी देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर ये खुशी जाहिर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक खुशी पिछले बार ही होने जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले बार किसी कारणवश ये मंत्री नहीं बन सके और आज एक बार पुनः फिर से इस्पात मंत्री बनाए गए और जिसके बाद यहाँ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पर जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से कहाँ आए, ये बताइए अभी कहाँ पहुँचे हैं आप लोग मिलने के लिए? हम लोग आए हैं गांव पे, घर पे। आज कैसा माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर है? काफी हर्षोल्लास है सभी लोगों में। वहीं रेल और आईटी मंत्रालय की कमान संभालने वाले अश्विनी वैष्णव के घर पर भी खुशी का माहौल दिखा। जोधपुर में उनके माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अपने बेटे की कामयाबी को मेहनत का नतीजा उन्होंने बताया। पाली जिले के जीवंत कला के मूल निवासी अश्विन वैष्णव के पिता काफी पहले जोधपुर शिफ्ट हो गए थे। अश्विन वैष्णव ने अपनी स्कूली शिक्षा जोधपुर में पूरी की, इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक किया। साल 1994 में वो IAS अधिकारी बने और 10 साल बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और गर्व का दिन है कि कम से कम उसको मतलब मंत्रिमंडल में लिया, उसके काम और मेहनत की पहचान हुई है। और अभी जब वो राष्ट्रपति भवन जा रहा था उस वक्त उसका टेलीफोन आया कि पापा मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा स्वस्थ सुखी दीर्घायु बलवान धनवान विद्यावान विवेकवान यशस्वी परोपकारी और कीर्तिमान बनो। खुशी भी और ढेर सारी आशीर्वाद है और सुख नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना पदभार जो है वो संभाला है, नई जिम्मेदारी अब उनको मिली है और बिहार से वो देखिए आते हैं और ऐसे में बिहार के 6 मंत्री जो हैं वो इस बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। तो ये तस्वीरें दरअसल बयां करती हैं कि किस तरीके की जिम्मेदारी अब सामने है, उससे कैसे निपटा जाएगा। तो फिलहाल अपना कार्यभार संभालते हुए इस वक्त वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बकायदा देखिए आज सिलसिला शुरू हो चुका है, मंत्रियों को उनके विभाग बता दिए गए हैं, कौन कौन सा विभाग किसको मिल रहा है। उसके बाद अब
जो मंत्री हैं नए वो दरअसल अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं, कार्यभार अपना संभाल रहे हैं। कुछ देर पहले मनसुख मांडविया जो कि गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं और देखिए पूर्व में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली और अब आरसीपी जो संभली हुई है। हम आज यहाँ भला दिन आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ भी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इस बात तो आप जानते हैं। और सर आगे की स्ट्रैटेजी कुछ मन में विचार होगा कि आगे कैसे काम किया जाए, स्ट्रैटेजी अगर बात करें? देखिए मैं खुले मन से काम करता हूँ, तभी तो मैं कुछ जानता नहीं, फिर मैं यहाँ आया सब चीज़ों का अध्ययन करूँगा, चीज़ों को समझूँगा तब फिर उस पर कुछ आपके सामने बात रख पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो आरसीपी सिंह जिन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है और देखिए अपनी जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे लिए देखिए सुखद अवसर है और बिहार से आते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई लेकिन घूमने फिरने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो कई जगह उमड़ रही है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 31 मई तक जहां सिर्फ 13 लाख पर्यटक पहुंचे थे, वहीं जून में कोरोना नियम में छूट के बाद अब तक 6 से 7 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों से आई इन तस्वीरों पर जरा आप नजर डालिए, शिमला, मनाली, धर्मशाला, जहां पर देखिए भारी तादाद में आपको सैलानी पर्यटक नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो नियम है मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का, वो जैसे मानो ये लोग भूल गए हैं। चेहरों पर बिना मास्क के ये मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं और लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि अब खतरा टल चुका है क्योंकि दूसरी लहर में केसेस कम है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोना अब चुनौती नहीं है, तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है लेकिन लोगों के अंदर डर नहीं है, इनकी थोड़ी सी लापरवाही स्थिति को बिगाड़ सकता है, ये बात का एहसास लोगों को शायद है नहीं। ये 3 तस्वीरें हम आपको शिमला, मनाली और धर्मशाला की दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी तादाद पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और लापरवाही वहां पर भी जारी। निश्चित रूप से थोड़ी चिंता हमारी भी इस बात को लेकर के बनी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत बड़ा रुझान टूरिस्ट का पूरे देश भर से, देश के बाहर से भी हिमाचल की ओर हुआ है और मौसम के साथ साथ में कोविड में हिमाचल प्रदेश में जो कमी आई है नंबर में उसको देखते हुए टूरिस्ट बड़ी संख्या में हिमाचल में आया है। टूरिस्ट आए उनका स्वागत है लेकिन मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो कोविड नियमों का पालन करें। वही कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, हर जगह लोगों की भीड़ दिखने लगी है, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोगों ने ताक पर रख दिया है। यही नहीं, घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटना शुरू किया। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 308 लोगों के चालान काटे हैं और करीब 3 लाख जुर्माना वसूला है। पर्यटन नगरी मनाली में जहां बीते दिनों काफी भीड़ उमड़ रही, तो ऐसे में जहां कई सारे पर्यटक यहां पर कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अब जिला प्रशासन और मनाली पुलिस के द्वारा ऐसे पर्यटकों पर यहां पर जो कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। मैं बता दूं कि जिला कुल्लू में अब तक कुल्लू पुलिस के द्वारा 308 जो है वो चालान यहां पर कोविड 19 के काटे गए, जिसमें 3 लाख के करीब जो है जुर्माना भी यहां पर वसूला जा रहा है। ऐसे में अब जो है मनाली में भी यदि कोई पर्यटक जो है कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं बता दूं कि बीते दिनों काफी सारी ऐसी तस्वीरें भी यहां से वायरल हुई थी जिसमें काफी सारी भीड़ यहां पर देखी जाती, लेकिन अब जो है स्थिति यहां पर जो है कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, काफी कम पर्यटक भी यहां पर है और रोड पर की बात करें खासकर तो अब जो है काफी सारी गश्त भी यहां पर पुलिस की बढ़ा दी गई है, जिसके बाद जो है अब यदि कोई व्यक्ति यहां पर कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। सुशील शर्मा, न्यूज 18, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों की भीड़ उमड़ने के साथ ट्रैफिक जाम के हालात भी पैदा हो गए, गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। ये 2 तस्वीरें ट्रैफिक जाम की हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं देखिए भारी तादाद में लोगों की
भीड़ जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब ये खतरा कोरोना का बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें सतर्क किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ हैं और मनाली से सचिन शर्मा हमारे साथ हैं। मनाली का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है और कितने तादाद में अगर हम देखें तो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं अभी की बात करूँ तो मनाली में अब जो है पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर जो कम होना शुरू हो चुकी है। सुबह का समय है इसमें कि मैं कुछ तस्वीरें भी साथ ही दिखाता चलूंगा मनाली के मॉडल की। आप तस्वीरें देखते हैं कि अभी सुबह का समय और ऐसे में काफी कम संख्या में अब जो है पर्यटक मनाली के मॉडल पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह शाम ढलती जाती है तो उस तरह जो है मनाली के इस मॉल रोड पर जो है पर्यटकों का तांता भी यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। और हालांकि अब जो है यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा भी जो है कड़े कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ यहाँ पर पाया जाता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और चलान भी यहाँ पे काटे जा रहे हैं। मैं बता दूँ कि कुल्लू पुलिस के द्वारा पिछले 10 दिनों में अभी तक जो है 308 के करीब जो यहाँ पर जो है चलान काटे गए और उसमें 3,00,000 के करीब जो है जुर्माना यहाँ पर जो है वसूला गया। और इसके अलावा भी अभी भी जो है यहाँ पर जो कुल्लू प्रशासन के द्वारा जो पूरी जो कड़े कदम यहाँ पर उठाए और पूरी सख्ती जारी और लोगों को जो है बार बार यहाँ पे मास्क पहनने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। जी ठीक रहिए आप जरा साथ। कुछ ऐसे ही देखिए हालात जो है उत्तराखंड के भी हैं और इस पहाड़ी राज्य के शहरों में भी सैलानियों की संख्या एकाएक बढ़ गई। नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में पैर तक रखने की अब जगह नहीं बची। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने निकल पड़े हैं। राज्य से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि लापरवाही की हद क्या है। देखकर लगता ही नहीं है कि देश में कोरोना फैला हुआ है। विचित्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं धर्मशाला में, वो मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विचित्र, जरा वहां से भी तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से सैलानी पहुंच रहे हैं और क्या वहां पर कोरोना के जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं लोग। देखिए अर्पिता, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें ही दिखाता हूँ। आप देख सकती हैं कि ये जो तस्वीर है वो नेशनल हाईवे 154 के साथ लगती बड़ी मार्केट शाहपुर की है और ये वो मार्केट है जहाँ पर जो है अमूमन सबसे पहले पहला पड़ाव रहता है टूरिस्ट का जो बाहर से आते हैं। और बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर देखिए किस तरह से टैक्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ इन टैक्सी की मार्फत जो है वो करेरी धार, करेरी लेक, भागसू वाटरफॉल और इसके साथ नड्डी, स्टोबरी, त्यूंड, इंद्रहार और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ और जो खबरू वाटरफॉल है, बोहद्रिणी का ट्रैक है, तल माता मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन जगह हैं जहाँ पर लोग जाया करते हैं। अभी आप देखिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी जो है वो चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। और हाँ, बात अगर हम मास्क की करें तो अभी भी जो है वो मिला जुला ही जो है वो रवैया लोगों का देखने को मिल रहा है। लोग उस तरह से आगाह नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर जो है वो अभी तीसरी लहर आने को है और हम लोगों को कोरोना के लिए जो एहतियात बताई जा रही है जो ऐसा। देखिए दिल्ली के उत्तम नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जल्दी से वो वीडियो भी आपको दिखा दें। वहां चार बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुसकर जमकर लूटपाट करते दिखे। बताया गया कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे, लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया। लूट की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला चार लोग अंदर घुस गए। अंदर आते ही इनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दी, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपयों के गहने और कैश लूट लिए।